हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में बता दें कि महेश भट्ट की एंट्री हुई है। वहीं जैसे ही महेश भट्ट आए, वहीं सभी घर वाले झूम उठे खुशी से, क्योंकि दोस्तों बता दें महेश भट्ट एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। लेकिन इसी बीच जैसे वो आते हैं, वहीं मनीषा रानी को जिस तरह से वो घूर घूर कर देख रहे थे, वहीं बता दें जिया शंकर को भी देख रहे थे। कहीं ना कहीं घर वाले अनकम्फर्टेबल भी थे, लेकिन बता दें जैसे ही जब वो आते हैं तो सभी उनसे मिलने के बाद बता दें सभी घर वालों को जैसे ही महेश भट्ट समझाते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे बता दें कि उनके बगल में मनीषा रानी बैठी होती हैं। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं उनको घूर कर देख रहे थे, वहीं वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल समझ रही थी। लेकिन बता दें कि महेश भट्ट ने कुछ ही देर बाद उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ को पकड़कर उन्होंने किस कर लिया। वहीं कहीं ना कहीं सभी को देखकर बुरा लग रहा था, वहीं मनीषा रानी भी शर्मा उठी, क्योंकि मनीषा भाई रानी दोस्तों अनकम्फर्टेबल फिट कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि महेश भट्ट ने उनका हाथ जो पकड़ा हुआ था और वो दोस्तों सभी घर वालों को किस करते ही घूम रहे थे, तो कहीं ना कहीं सबको भी बुरा लग रहा था। लेकिन दोस्तों उनके इस हरकत से कहीं ना कहीं फुकरा इंसान को कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मनीषा रानी को जो पकड़ा था। तो महेश भट्ट के आने के बाद सभी तो खुश थे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो जब जैसे समझा रहे थे मनीषा रानी को, तो वहीं पूजा भट्ट भी उनका साथ दे रही थी कि मैं भी उनसे यही बोलती हूँ कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये मानती नहीं है क्योंकि ये मेरे को सबसे प्यारी और छोटी सी लड़की लगती है, तो ऐसा बोलते हुए पूजा भट्ट नज़र आती हैं। तो दोस्तों आपका क्या है कहना, क्या महेश भट्ट ने सही किया या फिर गलत कर रहे हैं, या फिर उनका कैसा रिएक्ट रहा, आप भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।